नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में जब भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात होती है, चर्चाएं होती हैं, तो अक्सर वो चेहरे नजरों में आते हैं जिन्हें एसीबी ने मोटी रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान में पिछले कुछ समय में कई आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, तहसीलदार, बड़े दूसरे अधिकारी, तमाम वो लोग एसीबी के शिकंजे में चढ़ चुके हैं और उसके बाद चर्चाओं का दौर जारी हो जाता है। लेकिन अक्सर सवाल ये उठते हैं कि इन आरोपियों से जो जो पूछताछ होती है या जब जब पूछताछ होती है, सवाल उन पर भी उठते हैं कि फला अधिकारी ने किसी को परेशान किया, फला अधिकारी ने किसी से गैर कानूनी रूप से पूछताछ की, और इसी के बाद फिर एसीबी की कार्रवाइयों पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन अब कुछ नए जो नियम हैं, जो तब्दीलियां हुई हैं, उन पर चर्चा हुई और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर अब एसीबी पर, चाहे ये नियमों की बात हो चाहे कानून की बात हो, लेकिन कानून और नियमों से अलग हटकर अगर बात की जाए तो फिर तस्वीर कैसे बनती है भ्रष्टाचारियों को लेकर, वो आप समझेंगे। दरअसल किसी सरकारी अफसर और कर्मचारी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की शिकायत कोई मिलती है तो एसीबी अब बिना इजाजत के पूछताछ नहीं कर सकेगी। ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ जांच और पूछताछ करने के लिए पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी, उनकी मंजूरी लेनी होगी, और जब सरकारी विभाग से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ही एसीबी जांच या पूछताछ का दौर शुरू कर पाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन एक्ट पर केंद्र की एसओपी को लागू कर दिया है और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामलों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। यहां पर अगर एसीबी किसी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों अगर अरेस्ट करती है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। वहां पर एसीबी अपनी कार्रवाई जैसे अब तक करती आई है वैसे कर पाएगी। दरअसल होम डिपार्टमेंट से जो एसओपी जो जारी हुई है उसके मुताबिक एसीबी को अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने और पूछताछ करने से पहले मतलब जो संबंधित विभाग है उसके एक जो तय फॉर्मेट है उसमें मंजूरी लेनी होगी। एसीबी के अफसर नई एसओपी के हिसाब से ही जांच कर सकेंगे। अब सीधे बिना मंजूरी किसी अफसर कर्मचारी को न पूछताछ के लिए बुलाया जा सकेगा और न जांच शुरू हो सकेगी। अब दरअसल इसे यूं समझिए कि अगर एसीबी के पास किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई शिकायत जाती है कि फला अधिकारी या फला कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ऐसा नहीं हो सक पाएगा कि एसीबी उस अधिकारी या कर्मचारी को उठाकर लाए और उससे पूछताछ या उसकी जाँच का दौर शुरू करे। उसके लिए बाकायदा जो नए नियम, जो एक्ट लागू हुआ है उसी के मुताबिक एसीबी को अपनी काम, अपनी जांच, अपनी पूछताछ करनी है। दरअसल मंत्री, विधायकों और बड़े अफसरों से यहां भी देखिए एक वर्गीकृत किया गया है, एक कैटेगरी वाइज कैटेगरी यहां पर होगी कि मंत्री, विधायकों और बड़े अफसरों से एसीबी डीजी ही पूछताछ कर सकेंगे। अगर कोई एमएलए या मिनिस्टर या कोई बड़ा अधिकारी अगर उससे कोई पूछताछ की जानी है तो वो केवल और केवल एसीबी डीजी ही उससे पूछताछ कर सकेंगे। मंत्री, विधायक या सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 15 और इससे ऊपर के कर्मचारी बोर्ड, आयोग, निगम और राजनीतिक इकाइयों के जो चेयरमैन और सदस्यों से एसीबी में काम कर रहे डीजी स्तर के अफसर ही सरकार की मंजूरी के बाद पूछताछ कर सकेंगे। यानी सबसे पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी और उसके बाद जो एसीबी डीजी है वो ही पूछताछ कर सकेंगे। उनसे नीचे का कोई भी अधिकारी उनसे इंक्वायरी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर एसीबी का जूनियर अधिकारी अब सीनियर अफसरों से पूछताछ नहीं कर सकेगा। एसीबी के जूनियर अधिकारी सरकार के अफसरों से पूछताछ नहीं कर सकेंगे। रैंक के हिसाब से ही पूछताछ करने वाले एसीबी अफसर का स्तर
तय किया गया है। पे लेवल 21 से 24 तक के अफसर कर्मचारियों से पूछताछ के लिए एसीबी के एडीजी या इसके बराबर की रैंक का अधिकारी ही सरकार की मंजूरी के बाद, यानी जब तक सरकार की इजाजत नहीं होगी नहीं होगा काम। जब सरकार इजाजत देगी उसके बाद उनकी मंजूरी के बाद ही जांच और पूछताछ कर सकेगा। और राज्य सेवा के अफसरों से एसीबी आईजी डीआईजी ही पूछताछ कर सकेंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों के पे लेवल 12 यानी 12 से 20 तक के अफसर कर्मचारियों से पूछताछ और जांच के लिए आईजी या डीआईजी स्तर का अफसर ही पूछताछ और जांच करेगा। अधीनस्थ सेवा मंत्रालय कर्मचारी और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों से एसपी, एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी ही जांच और पूछताछ कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, कहानी आपको समझ गई होगी कि यहां पर अब तक जो चल रहा था वो बात अलग है, लेकिन अब एसीबी का कोई भी अधिकारी होगा वो अपने जिस भी व्यक्ति से, जिस अधिकारी से पूछताछ करनी है, अगर उसकी रैंक एसीबी अधिकारी से हायर है, ऊंची है, तो वो पूछताछ नहीं कर पाएगा, यानी जूनियर सीनियर से जांच नहीं कर पाएगा, पूछताछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी जाने। दरअसल आरएएस एसोसिएशन के विरोध के बाद लागू हुए इस प्रावधान में पिछले दिनों आरएएस अफसर भागचंद बदहाल से बिना तय प्रक्रिया अपनाए एक जूनियर एसीबी अफसर के पूछताछ करने के मामले में भारी विरोध हुआ था, ये आपको याद होगा। और आरएएस एसोसिएशन के विरोध के बाद विवाद में आए सबसे ज्यादा ट्रैप करने वाले एक एसीबी अधिकारी थे नरोत्तम लाल वर्मा, उनका भी एसीबी से तबादला करना पड़ गया था। तो कहानी केवल ये कि अब रैंक के मुताबिक पूछताछ होगी, सरकार की इजाजत के बिना पूछताछ नहीं होगी, लेकिन अगर एसीबी ने किसी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। नमस्कार।